नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि राजधानी पटना के साथ बिहार के 19 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जिसे लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि राजधानी पटना में रुक रुक कर जो बारिश है वो हो रही है, जिस वजह से जहां एक तरफ उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं वज्रपात होने से अब तक कई लोगों की जान भी चली गई है। और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से यह ताजा जानकारी मौसम को लेकर जारी की गई है, जिसमें लोगों से सावधान रहने की अपील भी मौसम विभाग की तरफ से की गई है। ऐसे में वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर वज्रपात होने की बात कही गई है और बिहार में मौसम का मिजाज अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि बीते 3 दिनों में राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में मॉनसून का प्रभाव देखा जा रहा है। शनिवार को राजधानी के आसपास के इलाकों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग की ओर से पटना समेत प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ बारिश की अनुकूल स्थिति बनी रहेगी। 19 जिलों में भारी बारिश के आसार है। वहीं पटना समेत अन्य हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। बता दें आपको कि मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून ट्रफ फिरोजपुर, रोहतक, मेरठ, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बांग्लादेश के मध्य भाग होते हुए उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में 2 से 3 दिनों तक अच्छी बारिश के संकेत है। वहीं शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ऊपर चढ़ने के साथ 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो ये जो ताजा अपडेट है वो मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं, जिसे लेकर मौसम विभाग का ये साफ तौर से कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस वक्त मौसम विभाग का ये साफ तौर से कहना है कि बिहार के उत्तरी हिस्सों में स्थित पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया सहित 19 जिलों में मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। वहीं मुजफ्फरपुर से जाने वाली ट्रफ रेखा के प्रभाव से पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 19 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर बिहार में बारिश का सिस्टम देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना में पिछले 6 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में पिछले 24 घंटे के दौरान जो बारिश है वो भी राजधानी पटना में देखी गई है, जो मॉनसून अवधि का सबसे अधिक है। ऐसे में बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है और यही वजह है कि मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में राजधानी पटना सहित बिहार के 19 ऐसे जिले हैं जहां पर अच्छी बारिश जो है वो होने वाली है। साथ ही वज्रपात की बात भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने इस वक्त बिहार के अलग अलग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और ये बेहद जरूरी है कि इस बिगड़ते हुए मौसम में हम खुद को सुरक्षित रखें और अपना ख्याल रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।